दिल और हानि ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये भी तो नहीं हो सकता कि तुम मेरा रास्ता ना काटो। मुझे राउंड के लिए जाना है। एक जरूरी बात करनी है। मुझे मेरे काम के अलावा और कोई जरूरी काम नहीं है। मेरा काम होने से पहले अगर यहाँ से निकल गई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। ये बार बार धमकी क्या देते रहते हो? यहाँ के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लोगों को नौकरी से निकालते रहोगे। यही है तुम्हारे काम करने का अंदाज? अगर मेरे साथ बहस करने का टाइम है ना, तो मेरी बात सुनने का भी टाइम होगा। अखिलेश, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो तुम। ये लो वॉकी टॉकी, ये लो टॉर्च। अब हम दोनों रियल में डिटेक्टिव बन चुके हैं। हम दोनों मामू को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, लेकिन हम दोनों को वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात करते रहना होगा। देखा, हूं ना मैं स्मार्ट? तुम काहे इतना स्मार्ट बन रहे हो? दिखाओ तुम्हारा दिमाग तो सही है, दिखाओ तुम्हारा दिमाग। हमारे पास मौके में अंकल को ढूंढने का इससे भी अच्छा तरीका है। क्या? गुंदो। हम मौके में अंकल को फोन लगाते हैं। अखिलेश सर का फोन? हेलो, मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ मुकेमा अंकल, मेरा मतलब है अखिलेश पांडे है। एक्चुअली वो तो अभी यहाँ नहीं है, उनका एक्चुअली फोन यहाँ रखा रह गया है। थैंक यू आंटी। पता चल गया कि मुकेमा अंकल हॉस्पिटल में है। अब हमें उनसे ही पता लगाना होगा कि वो हमसे क्या छुपा रहे हैं, जिससे बड़ी माँ बहुत परेशान है। मेरे को फोन दो, मैं कैब बुक करता हूँ। मुकेमा अंकल हॉस्पिटल में किससे मिलने गए होंगे? अखिलेश जी, ये क्या कर रहे हो तुम? अखिलेश जी, क्या बदतमीजी है ये? बुड्ढाघर से बेहतर जगह नहीं मिली थी तुम्हें? इससे बेहतर जगह हमारे लिए हो भी क्या सकती है? हमारे रिश्ते की भी तो मौत हो गई है ना। क्या मतलब? मतलब मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। हमारे बीच में बचा ही क्या है, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूं मैं। रिसेप्शन वाले आंटी को पता होगा मामू कहाँ पे होंगे। आंटी, अखिलेश अंकल यही है ना? हाँ यही होंगे, थोड़ी देर पहले तो यही दिखे थे। एक बात बताओ ना आंटी, वो परेशान थे? नहीं तो, वो तो यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आए हैं। पर्सनल काम? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मो अंकल का अस्पताल में कहाँ पर्सनल काम है। वो कहाँ होंगे? एक्चुअली वो तो पता नहीं, बता कर नहीं गए कहाँ जा रहे हैं। हम दोनों को मामू को ढूंढने के लिए इस वॉकी टॉकी से कनेक्ट रहना होगा, ठीक है? और तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। कहाँ होंगे अंकल? इसे कहाँ पर्सनल काम हो सकता है? मेहरबानी करके इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि हमें एक दूसरे का चेहरा ना देखना पड़े। क्या फर्क पड़ता है? इस कागज के टुकड़े पर साइन करने से हमारी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है? मैं कुनिका के साथ शादी करने जा रहा हूं और तुम्हारा क्या भरोसा? कल को अगर मेरे घर आ पहुंची, ये कह दिया कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूं, तुम्हारी जायदाद पर मेरा भी हक बनता है, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सोचते हो तुम मेरे बारे में कि
मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। Of course, तुम ही बनारस हमारा घर बेचने के लिए निकली थी ना, ताकि अपने नए हस्बैंड के साथ सेटल हो सको। मैं बनारस गई जरूर थी, लेकिन तुम्हारा घर बेचने के लिए नहीं। तो फिर बनारस क्यों गई थी तुम? ये लेटर नवजीवन लैब से आया है, बनारस से। इसमें लिखा है कि इनके पास अखिलेश का सीमेन सैंपल प्रिजर्व किया हुआ है। ये सब आपने किया है ना? बाबा बाबू बटुक। मैं बनारस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए गई थी अखिलेश। नहीं जाती तो शायद कभी तुम्हारी बच्ची की माँ बनने का सुख नहीं मिल पाता मुझे। लग सकता है। बच्चे हो बच्चों की तरह रहो, वरना तुम पे कुछ फेंक दूंगा। भागो यहाँ से। Not touching. मौर का टेम्परेचर 5 डिग्री से कम हो रहा है। अरे कितनी देर पहले उनको फोन किया था, वो लोग आते ही होंगे। चल चल के देखते हैं। बंस, हम एक कमरा तो देखना भूल ही गए, कोई मार्ग नाम का कमरा है। तो चलो वहाँ मिलते हैं और दोनों एक साथ ढूंढेंगे। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। हेलो, चुप क्यों हो? बताओ बनारस क्यों गई थी? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। बस इतना जान लो कि मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर होता ना तो इतनी तो मैं स्मार्ट हूं कि अब तक तो तुम्हारे पैसे साफ कर चुकी होती। हाँ बस वही बाकी है, वरना तुम्हारी पहुंचाई हुई हानि ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। कब तक एक ही बात सुनाते रहोगे यार? तब तक सुनाते रहूंगा जब तक तुम्हारी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूं। डूडो मॉर रूम का मतलब होता है मुर्दा घर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, कोई भूत आ गया तो। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसे बोलो। जाल तू चलाल तू आए भला को टाल तू। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इन द नेम ऑफ द फादर इज सन एंड द होल स्पिरिट। चलो बंस, ये तो बहुत ऊंचा है, अब क्या करें? हाँ, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं।
आओ तुम घोड़ा बनो। ओके फाइन, कम से कम मुझे मुर्दा घर के अंदर तो नहीं देखना पड़ेगा। तुम हमारे दोस्तों का इतना डरपोक बन रहे हो? लेकिन ये दोनों लड़का रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। लगता है इन दोनों के कट्टे हो गए। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रुकना है हमको पता है। हम वो नीचे उतारो। जब हम दोनों लड़ाई कर रहे थे तो सुपरमैन अंकल ने हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था और कमरे में बंद रहकर हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी। अब वैसे ही कमरे में बंद रहकर मापू एंड कैम्बो अंकल की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। वाओ, तुम मेरे साथ रह के एकदम स्मार्ट बन चुके हो। बंस, एक काम करते हैं, हम वो है ना उका यहाँ लाते हैं और उनके ऊपर चढ़ कर देखते हैं और फिर तुमको घोड़ा भी नहीं बनना पड़ेगा। चलो चलो। पता है बस, हमको लगता है कि ये दोनों लड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे वाले दिन मापू और मुकेमो कल ने एक दूसरे को आई लव यू तो बोल दिया था, लेकिन उनके अंकल चार दिन खलनायिका आंटी के साथ रहे थे ना, इसीलिए। फाइट तो इस बात पे भी हो सकती है ना कि तुम ज्यादातर प्यार तुम्हारी मॉम से करते हो या मामू से करते हो। प्लीज जीजस, मामू की शादी उस खलनायिका आंटी से मत करवाना प्लीज। आई एम सो हैप्पी विद माय शादी का शॉपिंग, इट वर्क्स वेरी गुड, आई हैड सो मच। ये क्या था? हाँ, मेरा प्लैटिनम का सेट, ये मेरा गोल्ड सेट, मेरी डायमंड ज्वेलरी, मेरे नए शूज, अखिलेश का सूट और हाँ मेरा लहंगा। ओह हाय दी। हाय, इतनी सारी शॉपिंग, तुम तो सारे पैसे लुटा रही हो। कू ऑफ कोर्स लुटाऊंगी, यू सी मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड जो दिया है। ऑब्वियसली सीरियसली, दैट मींस अभी तुम्हारे पास वो क्रेडिट कार्ड है? यू नो व्हाट आई मीन, बहुत टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं की है। बट आई एम सो सॉरी दी, जब तक शादी नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू नो। दैट्स नॉट फेयर कू, यू वांट टू सी व्हाट आई बॉट? देखो देखो बेटिया, तुम कब आई? मम्मी जी जी तेरा, अरे तुम तो गुलू से मिलने गई थी ना बिटिया? हाँ मम्मी जी, हम मिले ना। इनफैक्ट शादी के शॉपिंग के लिए अखिलेश ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया, तो मैंने उसके लिए भी डिजाइनर सूट लिया है, मैं बस उसके रूम में रख के आती हूँ। अच्छा अच्छा, जीते रहो, ऐसे खुश रहो बिटिया। ये गुलू और कुनिका बिटिया के बीच में तो सब कुछ ठीक है, तो फिर गुल्लू ने तलाक के कागजात काहे बनवाए? जिस लड़की से उसने शादी की थी वो तो 6 साल पहले मर चुकी है। What's going on, पुष्पा? अभी का जवाब गुल्लू ही दे सकता है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पीछे वेस्ट करने के लिए। इस पेपर पर साइन करो, ठीक है? जब तक तुम मुझ पर लगाए हो पैसों के लिए लालची होने का इल्जाम वापस नहीं ले लेते, मैं साइन नहीं करूंगी।
ब्लैकमेल करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, ठीक है? अरे कह दिया मैं साइन नहीं। अखिलेश देखो तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, हम चलते हैं यहाँ से। चलो पहले पेपर्स पे साइन करो, जाओ। मैं साइन तो तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम अपने शब्द वापस नहीं ले लेते। साइन तो मैं नहीं करूंगी। क्या कर रही हो ये? छोड़ो मेरा। चुपचाप खड़े रहो, वरना अगर बीमार हो गए तो उसका भी इल्जाम मुझ पर ही लगेगा। हेलो हेलो बड़ी माँ, मैं बोल रहा हूँ। मोनू बिठवा। हाँ बड़ी माँ। बड़ी माँ, अखिलेश अंकल का पता लग चुका है, वो कहाँ है? वो यहाँ लाइफ केयर अस्पताल में है। अस्पताल? हॉस्पिटल? लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही हो बिठवा? मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप जल्दी जा जाओ। ठीक है बेटा, हम अभी आते हैं। क्या हो रहा है पुष्पा, व्हाट्स हैपनिंग? वो जो है गुल्लू अस्पताल में किसी लड़की से मिलने गया है। लाइक सीरियसली, गुल्लू बेटा किसी लड़की से मिलने गया अस्पताल में, वो भी डिवोर्स पेपर्स लेकर? हो क्या रहा है? हमको नहीं मालूम, हम जाके पता करते हैं। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब देखना बंस, जब बड़ी माँ आएंगी और महापौर मुकेम्बो अंकल को एक साथ देखेंगी तो खुद इन दोनों की शादी करवा देंगी। चलो देखते हैं। ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लेकिन ये दोनों काँप कर रहे हैं। फाइटिंग कर करके काँप रहे होंगे। वैसे हमारा काम हो गया, हम चलते हैं और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। अखिलेश, मैं पेपर साइन कर दूंगी, तुम बस अपने शब्द वापस ले लो। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम जो हो वो हो, तुम इसे जाकर साइन करो इसलिए मैं यहां से जा सकूं। और फिर करीब बताओ। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। टेम्परेचर को पता नहीं क्या हो गया है, यहां से बाहर चलो। हेलो, कोई है यहां पर? अरे हाथ सुन होने लगे। अखिलेश प्लीज अपने आप को संभालो। नेटवर्क भी नहीं है। तुम साथ में होती हो तो हानी के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट भी कहां कर सकता हूं मैं? अखिलेश बहुत खराब हो रही है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। दूर रहो मुझसे, ठंड से मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, ठीक है? मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे।